खबर उत्तर प्रदेश से, जहां की गोरखपुर की रहने वाली डेफ बैडमिंटन खिलाड़ी आदित्य यादव ने अपनी खेल प्रतिभा से देश ही नहीं विदेशी धरती पर भी कई पदक अपने नाम किए। 12 साल की उम्र में डेफ ओलंपिक बैडमिंटन जो चैंपियनशिप रही उसमें भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाने वाली आदित्य का सपना अब सामान्य वर्ग में पदक जीतने पर है। देखिए खास रिपोर्ट। जब दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो हर चुनौती आसान बन जाती है। इस बात की मिसाल है गोरखपुर की रहने वाली डेफ बैडमिंटन खिलाड़ी आदित्य यादव, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और हौसले के दम पर दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया है। डेफ ओलंपिक में पदक विजेता आदित्य यादव का सफर बेहद चुनौतियों भरा रहा। हालांकि उनके सपनों को साकार करने में उनके पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्हें बैडमिंटन कोर्ट तक ले गए। अब उनका सपना है कि आदित्य आगामी डेफ ओलंपिक में फिर से पदक जीतें। आदित्य यादव बाय बर्थ ये सुन बोल नहीं सकती हैं। उनको काफ़ी दिक्कतें होती थी सिखाने में भी हर चीज़ में उनको, और फिर धीरे धीरे मतलब ये खेलने के लिए मतलब इनका उत्सुकता ज़्यादा रहता था खेल के प्रति। तो फिर उन्होंने बैडमिंटन में अपना स्टेडियम जब भी हम शाम को जाते थे इनको लेके हम जाते थे और ये देख के अपना खेलना जैसे हम लोग खेलते थे तो बैठ के देखती थी। और फिर इनको धीरे धीरे मैंने रैकेट पकड़ाना शुरू किया और फिर इन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित आदित्य पीएम मोदी को अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं। उनका सपना है कि वे सामान्य श्रेणी में भी देश के लिए पदक जीतें। ये बोल रही हैं कि पीएम सर ने बोला कि और भी मेहनत करो जिससे कि आगे आने वाले में इंडिविजुअल में भी गोल्ड मेडल लेके आओ, एकल प्रतिस्पर्धा जो होती है उसमें भी मेडल लाने को बोला कि और भी मेहनत करो। और बोला कि पापा बोल रही है कि पापा बहुत मतलब स्ट्रिक्ट हैं, मान वो भी करते हैं, सुबह उठा के प्रैक्टिस कराते हैं, तो इन्होंने उनसे मेरी शिकायत भी किया था। हाँ तो सर उन्होंने बोला, पीएम साहब ने बोला कि तभी तो तुमने गोल्ड मेडल को जीता हासिल किया है। आदित्य यादव के नाम कई उपलब्धियां दर्ज हैं। उन्होंने 12 साल की उम्र में ब्राजील में हुए डेफ ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया था। उन्होंने एशिया पैसिफिक खेलों में 5 पदक जीते हैं। 2023 में वर्ल्ड यूथ डेफ चैंपियनशिप में उन्होंने सिंगल, डबल और टीम इवेंट्स में मिलाकर कुल 5 पदक जीते थे। इतना ही नहीं, आदित्य ने अंडर 17 नेशनल खेलों में 3 बार चैंपियनशिप अपने नाम करने में सफलता हासिल की है। लखनऊ से विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।